सऊदी अरब ने 2015 में जब यमन को अपना निशाना बनाया था तो 4800 भारतीय नागरिकों के साथ 1972 विदेशियों की जान केवल पीएम नरेंद्र मोदी के फोन से बच सकी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आसियान के मंच पर इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस पर यह बात साझा की। आसियान के मंच पर वो 3000 भारतीयों से इस दौरान रूबरू थी। सुषमा ने बताया कि 2015 में जब सऊदी हमला यमन पर हुआ तो वो बेहद चिंतित थीं। हजारों भारतीय यहां पर फंसे थे, उन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सऊदी फौजें लगातार बमबारी कर रही थीं। तब उन्होंने पीएम से इस मसले पर चर्चा की, उनसे आग्रह किया कि रियाद में राजा से बातचीत की जाए और उनसे एक सप्ताह तक बमबारी रोकने की अपील की गई। सऊदी किंग ने रोजाना 2 घंटे बमबारी रोकने पर सहमति भी जताई। इस दौरान उन्होंने खुद यमन सरकार से अपील की कि फंसे भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकालकर अदेन बंदरगाह और सेना हवाई अड्डे तक पहुंचाया जाए। तब सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के सैन्य दखल के दौरान यमन से 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन राहत शुरू किया था। सुषमा का कहना है कि भारतीय सेना ऑपरेशन राहत के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित पनाह दिलाने के लिए प्रयासरत तो थी लेकिन वांछित सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। मोदी के फोन से रोजाना 2 घंटे तक सऊदी हमला रुका, जिससे धीरे धीरे न केवल अपने लोगों बल्कि विदेशियों को भी बचाया जा सका। 1 अप्रैल 2015 से 11 दिनों तक यह अभियान चला था। टीम इंडिलिंक्स।